नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बराड़ा के समीपवर्ती अयोध्या स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के 7 दिवसीय शिविर की शुरुआत की गई। NSS शिविर का विधिवत उद्घाटन विद्यालय के DDO नरेंद्र कुमार ने रिबन काट कर किया। इस कार्यक्रम के NSS प्रभारी डॉक्टर बलवंत सिंह ने सभी वॉलेंटियर को इस शिविर में किए जाने वाले कार्यों से अवगत करवाया। इस अवसर पर सेवा ट्रस्ट के UK इंडिया के स्टेट ई लर्निंग कोऑर्डिनेटर पवन पाराशर ने वॉलेंटियर को बताया कि NSS का एकमात्र उद्देश्य युवा छात्रों को सामुदायिक सेवा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए अनुभव प्रदान करना है। सभी युवा स्वयंसेवक जो NSS के नेतृत्व वाली सामुदायिक सेवा के माध्यम से देश की सेवा करने का विकल्प चुनते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि संस्था विद्यार्थियों को उनके करियर में मार्गदर्शन और शिक्षा में सहायता करती रहेगी और उनको उनके करियर चुनने में हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वस्थ भारत स्वस्थ समुदाय अभियान के तहत सेवा ट्रस्ट UK इंडिया की ओर से अपनी को स्पॉन्सर डाबर इंडिया लिमिटेड की तरफ से सभी विद्यार्थियों अध्यापकों और स्टाफ को डाबर कम्युनिटी बूस्टर गिफ्ट पैक उपहार स्वरूप दिया। इस अवसर पर विद्यालय के राकेश कुमार, राजेश कुमार, सुमित बाबा, ममता गुलाटी, गीता छाबड़ा, सुमन रानी, वीरभान और महावीर उपस्थित रहे। बराड़ा से हमारे संवाददाता पूर्ण सिंह की रिपोर्ट। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अधोआ अंबाला में NSS कैंप के दौरान सुबह के नाश्ते के रूप में जो NSS वॉलेंटियर हैं उन्हें चाय, समोसा, रियल का गुआवा जूस, एप्पल का जूस प्रोवाइड कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं NSS कैंप के दौरान अधोआ स्कूल के अंदर जो ये कैंप लगा हुआ है, अभी ब्रेक टाइम हुआ है नाश्ते का, सुबह का जो समय है उस समय के दौरान ये बच्चे आप देख सकते हैं किस तरीके से व्यवस्थित रूप से बैठकर अपना नाश्ता करते हुए सभी बच्चे। आज की जो एक्टिविटी बच्चों के द्वारा की जानी है गांव के अंदर स्वच्छ भारत के अंतर्गत थीम के अंतर्गत आज गांव अधोआ में रैली भी निकाली जाएगी बच्चों के द्वारा, लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए। एवर जो ग्रीन प्रोजेक्ट है भारत का कि पेड़ लगाए जाएं, उसके प्रति भी आज स्लोगन बच्चों के द्वारा अधोआ गांव में बताए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं सभी वॉलेंटियर और जो NSS इंचार्ज हैं डॉक्टर बलवंत सिंह जी वो भी मौजूद हैं इस मौके पर, और मैडम सुमन मैडम हैं इंग्लिश लेक्चरर, वो भी इस समय जो बच्चों के साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।